फर्स्ट गियर का विनर पल्सर T20 BS3। दिल पे नहीं लेना है हम लोगों को, हम लोगों को दिल पे कोई बात नहीं, हम लोगों को दिल पे नहीं लेना है। लक्की R15 अब बेचना पड़ेगा गाइस। अब हम भी जा रहे हैं डोमिनारिया 220 लेने, क्योंकि इस रेस में हम सबसे पीछे रह रहे हैं। तो आज के लाइनअप में आप देख सकते हैं सामने पल्सर T20F लगा हुआ है और BS3 मॉडल है वो, और ये R15 वर्जन 4 BS6, और ये है बजाज का डोमिनार 250 BS6। तो यहाँ पे दो है बजाज के बाइक और एक मेरा अकेला बेचारा बीच में फंस चुका है। और आज हम लोग करने वाले इसका गियर चैलेंज इनिशियल टेस्ट, और डोमिनार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो ये कंपेरिजन तो बनता है नहीं, लेकिन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है। पेपर ऑन पेपर तो उसका टॉर्क 27 Nm का है, बाकी परफॉर्मेंस में इसमें कोई अंतर आता है या नहीं आता है। और मेरा जो है टॉर्क है 14.2 PS का, और इन भाई का है 18.2 या 18.5 PS का पावर है। तो देखते हैं क्या टॉर्क में किसका मतलब इनिशियली अच्छा पिकअप पकड़ता है। और फर्स्ट गियर सेकंड गियर और थर्ड गियर चैलेंज हम लोग ट्राई करेंगे, और जहां तक कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें। तो हमारे डोमिनार के राइडर ये हैं, इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है ब्लैक मोटर, द ब्लैक मोटर समझ सकते हैं, द ब्लैक मोटर। और इनका बाइक भी ब्लैक कलर का ही है, 250 है डोमिनार, आपको दिखा देते हैं। डोमिनार का दो को वेरियंट आता है 400 और 250, तो ये 250 CC वाला है, मेरा 155, भाई का T20, और ये इसके राइडर। और हम लोग थर्ड गियर बहुत सेफ्टी के साथ राइड करने वाले हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं तीनों बाइकों का जो ड्रैग होने वाला है शुरू होने वाला है, फर्स्ट गियर पहले होगा उसके बाद सेकंड गियर और थर्ड गियर। तो चलिए हम लोग इस ड्रैग को शुरू करते हैं, और थ्री हॉर्न देंगे तो आप लोगों को बाइक लेके चलना है, ठीक है। तुम सेकंड गियर लगाए हो, रुक जा, इस सेकंड गियर लगा देना, हॉर्न मारते हैं सुनते नहीं था, इस सेकंड गियर लगा दिया है ना, इन सेकंड गियर इसका लग गया था, कोई बात नहीं, हॉर्न मारते हैं सुनो पीछे, नहीं सेकंड गियर इसका लग गया था, पहले से सब फर्स्ट गियर था, फिर से गियर उठा दिया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्रायल मार देते हैं। तो गाइस भाई सेकंड गियर का लॉन्च किया था वहाँ पे, तो गाइस भाई का सेकंड गियर लग गया था, फिर से हम लोग करते हैं। फर्स्ट गियर का विनर पल्सर T20 BS3 भाई का, बंद करो बता रहे, गजब यार, लेजेंड है एकदम, सही में ये वो था, अनएक्सपेक्टेड था, सही में हमको लगा था कि ये निकलेगा, सच बता रहे, खुद लगा था 45 ऊपर नहीं गया। सेकंड कौन है? सेकंड भाई था, धीरे धीरे ओवरटेक कर लिया, सेकंड ये और थर्ड कितु भाई, और इनका वजन को जैसा कि आप समझ सकते हैं कि R15 का मीटर एरर है, 49 गया लेकिन भाई का 45 में ही क्रॉस कर चुका था, तो भाई का 53 बहुत ही ज़्यादा हाई रेप पे चला रहे थे भाई, एकदम फाड़ू राइडर की तरह, लेकिन एक्सपेक्टिंग से फेल, एक्सपेक्टिंग से परे इसका जो था, हमको लगा कि ये निकलेगा, लेकिन ये सेकंड पे आया, लेकिन वो फर्स्ट नंबर पे आया। तो उसका थोड़ा गियर थोड़ा टॉल है और इसका थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, इनिशियली में भला ही थोड़ा आगे हो सकता है, इनिशियल में किसका आगे था, मेरा ही था। भाई इनिशियल में भी उसका आगे, समझ सकते हो भाई कितना ज़्यादा पावरफुल BS3 मॉडल है, लॉन्च अच्छा था, लॉन्च अच्छा था भाई का, कोई बात नहीं। सेकेंड गियर हम लोग अब ट्राई करते हैं, उसमें गोल्ड हो गया, सेकेंड गियर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं, दिल पे नहीं लेना है हम लोगों को, हम लोगों को दिल पे कोई बात नहीं, हम लोगों को दिल पे नहीं लेना है लक्की, हाँ सेकेंड गियर में, फर्स्ट गियर का चैंपियन हमेशा रहता है। तो अब हम लोग करने वाले हैं सेकेंड गियर चैलेंज, और देखते हैं कि सेकेंड गियर का विनर होता कौन है, या तो डोमिनार होगा, या फिर पल्सर T20F होगा, या फिर मेरा तो होगा नहीं क्योंकि मेरा टॉर्क भी कम है, भला ही टॉप एंड ज़्यादा है लेकिन थर्ड गियर में वो अचीव कर पाता है। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड गियर चैलेंज।
भाई अनएक्सपेक्टेड एकदम जबरदस्त चल रहा है, एकदम ट्रैक खतरनाक। अरे भाई गजब यार, पल्सर T20 यार क्या कर रहा है यार, छोड़ दिया था ना, छोड़ दिया था भाई। अरे कोई बात नहीं, आगे ही पीछे था एकदम। कितना था आपका, कितना था? 78। तुम्हारा कितना गया? 80। तो हाँ बहुत ज्यादा ऐसी होता है। और मेरा 72, सबसे कम वही गया मेरा बाइक। आज हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और भाई का बाइक 80 गया, समझ सकते हैं कि ये दोनों एकदम कांटे का मुकाबला, इसमें मैच टाई हो गया, क्योंकि दो माइनर मैनेज मतलब दो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, है ना? दो का स्पीड कौन ज़्यादा बड़ा इशू है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का सेम है, सेकेंड गियर का एकदम सेम परफॉर्मेंस है। तो दोनों का मैच टाई हो गया बीच में, जैसा कि आप समझ सकते हैं 250 cc का इंजन है और टॉर्क भी इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये टॉप एंड थोड़ा इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका गियर बॉक्स थोड़ा टॉल है। और मेरा दम 30, एकदम 30 R15 अब बेचना पड़ेगा गाइस। अब हम भी जा रहे हैं डोमिनारिया 220 लेने, क्योंकि इस रेस में हम सबसे पीछे रह रहे हैं, हम बस एक दर्शक बन के रह गए हैं इस रेस में। चलो कोई नहीं, थर्ड गियर चैलेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, तीसरा गियर हम लोग चैलेंज करते हैं ये एंडीवर को निकलने के बाद। इस ड्राइव को क्या बोलना चाहेंगे आप लोग, आज डोमिनार सबसे पीछे, R15 थर्ड गियर का चैंपियन था भाई, द चैंपियन ऑफ थर्ड गियर टॉप एंड।